हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक र्यूमर जो सोशल मीडिया पे इस टाइम सर्कुलेट कर रहा है, और बहुत से न्यूज़ पोर्टल का तो कहना है कि ये र्यूमर नहीं है, ये सच्चाई है यानी हकीकत है। तो र्यूमर ये है कि हमारे CW के फ्लैश यानी हमारे TV सीरीज़ के फ्लैश ग्रैंड गस्टिन कैमियो कर सकते हैं एज़रा मिलर की फ्लैश मूवी में। हम जानते हैं कि DC वाले पहले ही कई बार कह चुके हैं कि चाहे TV शो हो या मूवीज़ हों, चाहे पुरानी मूवीज़ हों, वो सब कहें तो एक मल्टीवर्स का हिस्सा है, यानी किसी ना किसी तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन इस बात का कहें तो एक प्रूफ हमें तब मिला था जब एज़रा मिलर के फ्लैश ने कैमियो किया था क्राइसिस ऑफ इन्फिनिटी अर्थ के एक एपिसोड में। तब हमें यह पता चल गया था कि पूरे मल्टीवर्सेस, टीवी सीरीज और मूवी पूरे तरीके से कनेक्टेड है। और जो फिल्म मेकर्स हैं CW फ्लैश के, उन्होंने इस कैमियो के बाद ये भी कहा था कि हमने बहुत कई बार से ये ट्राई किया था कि एज़रा मिलर फ्लैश कहें तो कैमियो के बजाय पूरे एपिसोड के लिए आ पाएँ, लेकिन उनका जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है, इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाया। तो उसी में हमें ये न्यूज़ मिल रही कि ग्रैंड गस्टिन एज अ कैमियो रिटर्न हो सकते हैं एज़रा मिलर के फ्लैश में। अब द फ्लैश मूवी जो है, ये कहें तो DC के लिए मेक एंड ब्रेक मूवी होने वाली है, क्योंकि DC जो कहें तो जस्टिस लीग और स्नाइडर कट की कन्फ्यूजन से जो गुजर रहा है, और हेनरी कैविल के सुपरमैन का क्या होगा और बेन एफ्लिक के बैटमैन का क्या फ्यूचर है, तो ये फ्लैश मूवी हमको आंसर देगी कि जैक स्नाइडर रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, या DC का जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है। तो जो फ्लैश मूवी है ये कहें तो पूरे तरीके से मेक और ब्रेक है, यानी कि अगर ये फ्लॉप होती है तो मुझे नहीं लगता कि DC यूनिवर्स फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि ग्रैंड गस्टिन के फ्लैश रिटर्न हो रहे हैं एज अ कैमियो एज़रा मिलर के फ्लैश की मूवी में। वैसे टीवी सीरीज़ की बात करूँ तो Season 4 तक तो मुझे फ्लैश बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन Season 5 के बाद से मेरा उतना मन हट गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव और बोरिंग स्टोरी होने लग गई थी। शुरू के 1st, 2nd, 3rd, 4th सीज़न बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा लेवल गिर गया है। तो ये था छोटा सा अपडेट इसके बारे में। तो गाइज़, आपको क्या लगता है, क्या र्यूमर सही है, और क्या आप एक्साइटेड हैं ग्रैंड गस्टिन को देखने के लिए एज़रा मिलर के फ्लैश में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और DC के फ़ैन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब